इस वीडियो में दोस्तों हम गुप्त काल से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं, जो पिछले एग्जामों में जो है बार बार इन्हीं में से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और आगामी परीक्षाओं के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। इसके अंदर हम गुप्त काल के संस्थापक से लगाकर गुप्त काल के जितने भी शासक हुए हैं, उनके अभिलेख, उनके मंदिर, उनकी रचनाएँ, सभी कुछ जो है 50 प्रश्नों के अंदर समझने वाले हैं और इनसे बाहर कुछ भी जाने की संभावना नहीं है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम गुप्त साम्राज्य के बारे में। तो गुप्त साम्राज्य जो है भारत के इस मैप में आप देख सकते हैं कि गुप्त साम्राज्य का विस्तार कहां से कहां तक था। उसके बाद जो है गुप्त वंश के जो भी शासक हुए थे उसके अंदर सबसे पहले श्रीगुप्त हुए थे और इन्हीं को जो है गुप्त वंश का संस्थापक भी जाना जाता है। उसके बाद घटोत्कच हुए थे, चंद्रगुप्त प्रथम हुए थे, समुद्रगुप्त आए थे और फिर समुद्रगुप्त के बाद दो शासक हुए थे, रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। ये इनके दो पुत्र थे, इसमें से चंद्रगुप्त द्वितीय जो है शासक बने थे। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय के जो है गोविंद गुप्त, कुमार गुप्त और प्रभावती तीन जो है इनके पुत्र थे। कुमार गुप्त वहाँ के शासक बने थे, फिर स्कंद गुप्त, पुरु गुप्त और घटोत्कच गुप्त आए थे और उसके बाद जो है नरसिंह गुप्त, बुद्ध गुप्त और लास्ट में जो है कुमार गुप्त द्वितीय और उसके बाद जो है अंतिम जो शासक हुए थे गुप्त काल के वो विष्णु गुप्त हुए थे। ये जो सारे शासक जो है ये गुप्त वंश से संबंधित हैं। तो सबसे पहले गुप्त शासकों की जो प्रमुख उपाधियां थी उनके बारे में जो है देख लेते हैं। तो बात कर लेते हैं शासक जो है सबसे पहले श्रीगुप्त, और श्रीगुप्त की जो उपाधियाँ थी वो आदिराज और महाराज थी। घटोत्कच की जो उपाधियाँ थी वो महाराज थी और चंद्रगुप्त प्रथम की उपाधि जो थी वो महाराज धीराज थी। समुद्रगुप्त की जो उपाधि थी वो पराक्रमक थी या पराक्रमांक भी बोलते हैं और चंद्रगुप्त द्वितीय की जो उपाधि थी वो विक्रमादित्य या विक्रमांक भी थी। कुमारगुप्त की जो उपाधि थी वो महेंद्रादित्य थी और स्कंदगुप्त की उपाधि शक्रादित्य या शक्रोपम जो थी। उसके बाद 50 जो महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन हैं जो पिछले एग्जामों में बार बार पूछे जा रहे हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो गुप्त साम्राज्य का संस्थापक जो है श्रीगुप्त हुआ था, श्रीगुप्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है। तो वास्तविक संस्थापक की अगर बात की जाए तो चंद्रगुप्त प्रथम को जो है गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अगला प्रश्न है महाराज महाधीराज की उपाधि किस गुप्त शासक ने जो धारण की थी। अभी बताया था आपको महाराजाधीराज की उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है धारण की थी। अगला प्रश्न है गुप्त वंश के प्रथम प्रसिद्ध शासक कौन थे। तो सबसे प्रसिद्ध शासक जो है वो चंद्रगुप्त प्रथम थे। पांचवा प्रश्न है गुप्त काल में पहली बार किस शासक ने चांदी या रजत मुद्राओं को जो है प्रचलन में लाए थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम जो है चांदी या रजत मुद्राओं को जो है प्रचलन में लाया गया था। छठा प्रश्न है गुप्त संवत किसने चलाया। तो गुप्त संवत जो है चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा चलाया गया था। सातवां प्रश्न है चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी कौन थे। तो चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुए थे, जिनको भारत का नेपोलियन भी जो है कहा जाता था। इनके पास विशाल नौसेना थी। अगला प्प्रश्न है आठवां हरिश्चैन किसके दरबारी कवि थे। तो हरिश्चैन जिन्होंने इलाहाबाद प्रस्तुति की रचना की थी और ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। नौवां प्रश्न है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। दसवां प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। तो कुमार गुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ग्यारहवां प्रश्न है चीनी यात्री फाययान किसके शासनकाल में भारत आया था। तो चीनी यात्री फाययान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। बारहवां प्रश्न है प्रयाग प्रस्तुति के लेखक कौन थे। तो हरिश्चैन जो थे समुद्रगुप्त के दरबारी कवि, इन्होंने प्रयाग या जिसको हम इलाहाबाद प्रस्तुति भी बोलते थे इसके लेखक थे। तेरहवां प्रश्न है चंद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा। तो वी ए स्मिथ के द्वारा जो है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन वी ए स्मिथ के द्वारा कहा गया था। चौदहवां प्रश्न है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कला साहित्य विद्या का महान केंद्र कौन था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कला साहित्य विद्या का जो केंद्र था वो उज्जैन था। पंद्रहवां प्रश्न है मंदिर निर्माण कला का जन्म कब और किस युग में हुआ था। तो
इसका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल के अंदर जो है मंदिर निर्माण कला का जन्म हुआ था। 16वां प्रश्न है गुप्त काल की राजदरबारी भाषा कौन सी थी, तो गुप्त काल की राजदरबारी भाषा संस्कृत थी। अगला प्रश्न है किस शासक ने हूणों के आक्रमण को रोका था, तो स्कंद गुप्त ने जो है हूणों के आक्रमण को रोका था। 20वां प्रश्न है भारत की किस रचना सर्वप्रथम यूरोपीय भाषा में अनुवाद किया गया था, तो भारत की अभिज्ञान शाकुंतलम जो रचना है उसका सर्वप्रथम यूरोपीय भाषा में जो है अनुवाद किया गया था। अगला प्रश्न है बाल विवाह की प्रथा कब प्रारंभ हुई, तो गुप्त काल में जो है बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई थी। अगला प्रश्न है सती प्रथा का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो भानुगुप्त के एरन अभिलेख में जो है सती प्रथा का प्रमाण मिलता है। 23वां प्रश्न है हरिश्चंद्र किसके दरबारी थे, तो समुद्रगुप्त के दरबारी थे जिन्होंने इलाहाबाद प्रस्तुति की रचना की थी। 24वां प्रश्न है गुप्त वंश के किस शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, तो गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण की गई थी। 25वां प्रश्न है प्रभावती गुप्त के पूना स्थित ताम्रपत्र अभिलेख में किस गुप्त शासक का उल्लेख मिलता है, तो प्रभावती के जो ताम्रपत्र अभिलेख जो है उसके अंदर श्रीगुप्त का उल्लेख मिलता है। 26वां प्रश्न है रिद्धपुर ताम्रपत्र अभिलेख में गुप्त वंश का प्रथम शासक किसे माना गया है, तो रिद्धपुर ताम्रपत्र अभिलेख में गुप्त वंश का प्रथम शासक जो है घटोत्कच को माना गया है। 27वां प्रश्न है समुद्रगुप्त का शासनकाल था, तो समुद्रगुप्त का शासनकाल जो है 335 से 380 ईस्वी तक का था। अगला प्रश्न है वराहमिहिर द्वारा रचित रचना है, तो वराहमिहिर द्वारा बृहद संहिता की रचना की गई थी। 29वां प्रश्न है किस गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ किया था, तो कुमार गुप्त के द्वारा जो है अश्वमेध यज्ञ किया गया था। 30वां प्रश्न है गुप्त वंश के समकालीन वाकाटक राजवंश का संस्थापक कौन थे, तो गुप्त वंश के समकालीन वाकाटक राजवंश के संस्थापक विद्यशक्ति सर्वसेन थे। 31वां प्रश्न है भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो भारत का शेक्सपियर जो है कालिदास को कहा जाता है। 32वां प्रश्न है गुप्त युग में बौद्ध धर्म के महान विद्वान असंग द्वारा रचित रचना है, तो गुप्त युग में बौद्ध धर्म के महान विद्वान जो हुए थे असंग, उनके द्वारा रचित रचना जो है वज्र शेदिका टीका है। 33वां प्रश्न है बौद्ध धर्म के मौलिक सिद्धांतों पर आधारित अभिधर्म कोश की रचना किसने की, तो वसु बंधु ने जो है बौद्ध धर्म के मौलिक सिद्धांत पर आधारित अभिधर्म कोश की रचना की थी। 34वां प्रश्न है पारा का आविष्कार किस समय हुआ था, तो गुप्त काल में जो है पारा का आविष्कार हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पारा का आविष्कार किस युग में हुआ था, तो गुप्त युग में या गुप्त वंश में हुआ था। 35वां प्रश्न है गुप्त युग की किस रचना में पृथ्वी गोल है और परिक्रमा करने की जानकारी प्राप्त होती है, तो आर्यभट्टी जो रचना थी उसके अंदर पृथ्वी गोल है और जो है परिक्रमा करने की जानकारी प्राप्त हुई थी, आर्यभट्ट के द्वारा जो है ये ग्रंथ लिखा गया था। अगला प्रश्न है इतिहासकार विसेंट स्मिथ द्वारा रचित पुस्तक जिसमें समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया था, तो उस पुस्तक का नाम अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया है। अगला प्रश्न है 36वां गुप्त काल में चंडी के सिक्के को कहा जाता था, तो चंडी के सिक्के को रूपक कहा जाता था। 37वां प्रश्न है कुमार गुप्त का शासनकाल रहा, तो कुमार गुप्त का शासनकाल 1415 से 1455 तक रहा था। अगला प्रश्न है गुप्त काल में वस्त्र उत्पादन के प्रसिद्ध स्थान थे, तो गुप्त काल में वस्त्र उत्पादन के प्रसिद्ध स्थान जो है गुजरात बंगाल एवं तमिलनाडु थे। अगला प्रश्न है चरक किसके राजवेद थे, तो चरक जो है कनिष्क के राजवेद थे। 39वां प्रश्न है चक्रीय चतुर्भुज के सिद्धांत का वर्णन किसके द्वारा किया गया है, तो चक्रीय चतुर्भुज के सिद्धांत का वर्णन ब्रह्मगुप्त के द्वारा 7वीं शताब्दी में किया गया था। अगला प्रश्न है गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा किस नाम से जाना जाता था, तो गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दिनार के नाम से जाना जाता था। 41वां प्रश्न है सती प्रथा का प्रथम अभिलेख एरन अभिलेख से मिलता है, यह अभिलेख किस सती का है, तो ये किस सदी का है, तो ये 510 ईसा पूर्व का है। अगला प्रश्न है शतरंज का खेल किसके शासनकाल में हुआ था, तो शतरंज का खेल गुप्त काल में, पहले इसे चतुरंग कहा जाता था, तो गुप्त काल में जो है यह खेल जो है प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है सांख्य दर्शन किस सिद्धांत का प्रतिपादन करता है,
तो सांख्य दर्शन जो है पूर्ण जन्म के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। 44वां प्रश्न है, पूर्व मीमांसा की रचना किसने की थी? तो जेमिनी ने जो है पूर्व मीमांसा की रचना की थी। 45वां प्रश्न है, किस गुप्त राजा का एक नया नाम देवगुप्त भी है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम जो है देवगुप्त भी है और विक्रमादित्य भी हैं। 46वां प्रश्न है, परम भागवत की उपाधि किस गुप्त शासक ने धारण की थी? तो परम भागवत की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की, परम भागवत की उपाधि जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा धारण की गई थी। 47वां प्रश्न है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रस्तुति के स्तंभ लेख में किस शासक का उल्लेख मिलता है? तो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रस्तुति के स्तंभ लेख में जहांगीर का जो है उल्लेख मिलता है। 48वां प्रश्न है, हूणों के आक्रमण से किस राजवंश अत्यंत विचलित हुआ था? तो हूणों के आक्रमण से जो है गुप्त वंश अत्यंत विचलित हुआ था। 49वां प्रश्न है, गुप्त सम्राट जिसने हूणों पर विजय प्राप्त की थी? तो स्कंद गुप्त ने जो है हूणों पर विजय प्राप्त की थी। 50वां और अंतिम प्रश्न है, शक विजेता किस गुप्त शासक को कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है शक विजेता कहा जाता है। और अगर हूणों पर विजय की बात की जाए तो स्कंद गुप्त, शक पर विजेता जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं और हूणों पर जो विजय प्राप्त की थी वो स्कंद गुप्त ने की थी। तो ये थे दोस्तों मौर्य वंश से गुप्त वंश से संबंधित 50 महत्वपूर्ण जो है वन लाइनर प्रश्न थे, और पिछले एग्जामों में जो है इन्हीं में से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगामी एग्जाम के लिए भी जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।